क्या अक्षय कुमार ने लिया है कार्तिक आर्यन से बदला? आइए जानते हैं कि 20 करोड़ के नुकसान को कैसे जो है वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं करण जौहर। क्या करण जौहर का मेन मोटिव अक्षय कुमार को दोस्ताना 2 में लाने के पीछे का क्या है? आइए जानते हैं कि किस तरीके से अक्षय कुमार जो है रिप्लेस कर चुके हैं कार्तिक आर्यन को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ABV एंटरटेनमेंट्स में। वेल दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियां पकड़ रही थी कि करण जौहर ने दोस्ताना 2 में से निकाल दिया है कार्तिक आर्यन को। इसके बाद सोशल मीडिया पे बवाल मच गया, बैन करने की भी मांग की जा रही है धर्मा प्रोडक्शंस को, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन जो है स्टार किड्स को ज़्यादा मौका देता है और आउटसाइडर्स को कम मौका देता है, जिसके चलते कार्तिक आर्यन के फैंस जो है उनके सपोर्ट में सोशल मीडिया पे बवाल कर चुके हैं। फैंस का ये कहना है कि कार्तिक आर्यन जो है अपने लक और अपनी किस्मत से, अपने मेहनत से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उन्हें कोई भी फिल्म से निकालना बहुत गलत बात है। कार्तिक आर्यन ने मेहनत की है तभी आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तभी करण जौहर ने उन्हें अपने फिल्म दोस्ताना 2 में लिया था। वेल, अब ऐसा कहना है करण जौहर का कि कार्तिक आर्यन जो है सेट पर बहुत मिसबिहेव करते थे, टाइम पे नहीं आते थे, लेकिन फैंस भी यहाँ पे जमकर सपोर्ट करते हुए आए नज़र कार्तिक आर्यन को। अगर कार्तिक मिसबिहेव ही करते और उनमें ईगो होता तो वो इतने आगे तक नहीं आते और उन्हें इतनी सारी फिल्में नहीं मिलती। वेल, यहाँ पे फैंस की बातें भी सही है। अब क्या किया है करण जौहर ने, क्योंकि करण जौहर को कार्तिक आर्यन को निकालना बहुत भारी पड़ गया। करण जौहर को 20 करोड़ का नुकसान हुआ है कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से निकालने के लिए। तो यहाँ पे करण जौहर ने अपने दिमाग का यूज़ करते हुए कार्तिक आर्यन को रिप्लेस कर दिया है अक्षय कुमार से। अब आपको दोस्ताना 2 में अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं जाह्नवी कपूर के भाई के किरदार में। खिलाड़ी कुमार ने इस फिल्म को करने से हामी भी भर दी है और इसी के साथ साथ खिलाड़ी कुमार जो है फिल्मों के कुछ स्क्रिप्ट में चेंजेस करवा रहे हैं, जो कि कार्तिक आर्यन भी करवाना चाहते थे, लेकिन करण जौहर ने कार्तिक आर्यन की बात नहीं मानी और उनसे बहसबाजी कर ली। लेकिन अक्षय कुमार वही स्क्रिप्ट चेंज करवाना चाहते हैं तो करण जौहर को कोई भी एतराज़ नहीं है। वेल, मैं आपको बता दूं कि करण जौहर ने यहाँ पे बहुत दिमाग यूज़ किया है अपने 20 करोड़ रुपए को रिकवर करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि खिलाड़ी कुमार की कोई भी फिल्म आए बॉक्स ऑफिस पे हिट होती ही है, अगर फ्लॉप भी होती है तो भी वो पैसा अपने आप ऑटोमेटिकली निकल आता है, जो कि लॉस में जाता है। ऐसे में यहाँ पे करण जौहर ने अपना मास्टर माइंड दिमाग यूज़ किया है और कार्तिक आर्यन को रिप्लेस कर दिया है अक्षय कुमार से फिल्म दोस्ताना 2 में। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी गुड न्यूज़ फिल्म, जो कि अक्षय कुमार की बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी, इसके लिए कार्तिक आर्यन को ही पहले साइन किया गया था करीना कपूर खान के अपोजिट, लेकिन कार्तिक आर्यन के PR इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर अनाउंसमेंट कर दी कि गुड न्यूज़ फिल्म में आपको कार्तिक आर्यन नज़र आने वाले हैं, जिससे करण जौहर काफ़ी नाराज़ हो गए और कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अक्षय कुमार को हमने गुड न्यूज़ में देखा, लेकिन यहाँ पे कार्तिक आर्यन ने भी हार नहीं मानी। कार्तिक आर्यन ने जो है रिप्लेस कर दिया खिलाड़ी कुमार को उनके ही सुपरहिट फिल्म यानी कि भूल भुलैया में से। हम सभी जानते हैं कि भूल भुलैया सीज़न 1 था, यानी कि जो फर्स्ट सीरीज थी, फर्स्ट मूवी थी, उसमें हमने अक्षय कुमार को लीड किरदार में देखा था। तो लेकिन अब हम भूल भुलैया के सेकेंड पार्ट में कार्तिक आर्यन को लीड किरदार में देखने वाले हैं, तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार ने यहाँ पे दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करके ले लिया है अपना बदला। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है करण जौहर को लेकर, जिस तरीके से करण जौहर ने अपना ये मास्टरमाइंड दिमाग यूज किया है खिलाड़ी कुमार को मोहरा बना के, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है, चटपटी गॉसिप्स है, ब्रेकिंग न्यूज है, मैं यानी कि काजल आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूंगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।